आपको आंकड़ा मिला था, आंकड़ा जैसे हमको बोला कि राम को एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं हम लोग ग्राफ में, कि आपको बोला गया कि इस क्लास में हमने एग्जाम लिया, क्या लिया एग्जाम लिया, और किसी को फर्स्ट बच्चा को जैसे इसको आया 10 नंबर आया, दूसरे को 12 आया, तीसरे को 14 आया, फिर चौथे को 10 आया, पांचवे को 25 आया, इस कंडीशन में हुआ था, मतलब ये रैंडम है, ये कंटिन्यूअसली मार्क्स नहीं है, ये क्या है रैंडम। अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमको सजाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा सजाना पड़ेगा, तो तब हम इसका कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको बोलेगा कि 10 गो बच्चा कै गो 10 नंबर कै गो बच्चा लाया, अब सबसे पहले हम उसको सजाएंगे, अब क्या करेंगे गिनने जाएंगे, उसको गिनने जाएंगे 10 एगो दूगो तीन गो, ऐसे ऐसे तो ही कर सकते हैं हम लोग। अगर यदि उसी को हम अच्छे तरीके से एक सिनुसोइडल फॉर्म में उसको सजा लें तो क्या होगा, वहाँ पर उसको अच्छे तरीके से अरेंज कर ले तो क्या होगा, वहाँ एक और पूछेगा 10 को 10 नंबर कै गो बच्चा लाया है, 3 गो बच्चा लाया है, 12 नंबर कै गो लाया है, 5 गो बच्चा लाया है, आप उसको आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। तो ग्राफ वही चीज होता है, आप किसी चीज को अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, किसी को अच्छे तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, ग्राफ वही चीज होता है, समझे। तो ग्राफ में एक चीज याद रखिएगा, एक होता है डिपेंडेंट, आप लोग को जब ग्राफ पढ़ा रहे थे उस समय आप लोग को बताए थे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट को कहाँ लिया जाता है y एक्सिस पर, और इंडिपेंडेंट को कहाँ लिया जाता है x एक्सिस पर, मतलब जिस पर जो निर्भर करता है, मतलब निर्भर वाला जो राशि होगा, जो निर्भर करेगा किसी दूसरी राशि पर, वह y एक्सिस पे जाएगा, कहाँ जाएगा y एक्सिस, और जो स्वतंत्र होगी, स्वतंत्र मतलब वह किसी पर निर्भर नहीं करेगा, वह कहाँ जाएगा x एक्सिस पर, एक खोपड़िया में बैठा लो तो इतना बात समझ में आ जाएगा कि ग्राफ जो होता है कि वह स्वतंत्र राशि कहाँ ली जाती है x एक्सिस पर, और डिपेंडेंट मतलब जो आश्रित राशि है वो कहाँ लिया जाएगा y एक्सिस पर, समझ लीजिए बात को अच्छे से। चलिए ग्राफ देखिए, लिखिए ग्राफ लिखिए, गति से संबंधित ग्राफ में समय हमेशा गति से संबंधित ग्राफ में समय हमेशा स्वतंत्र चर होती है, क्या होती है स्वतंत्र चर, स्वतंत्र आता है लिखने रे, स्वतंत्र चर होती है, ठीक है, इसलिए इसे एक्स अक्ष पर लिया जाता है, इसलिए इसे एक्स अक्ष पर लिया जाता है, स्टार देके लिखिए, ग्राफ बनाते समय अंतराल हमेशा उचित लिया जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि एक अंतराल हम ले लें कितना का 10 का अंतराल, दूसरा 20 का ले लें, तीसरा एक 10 से 20 हुआ और 20 से 50 हो गया, अब ऐसा अंतराल नहीं ले लेना, अंतराल जब भी लेना है तो घटते से बढ़ते तो ऐसा नहीं, बराबर अंतराल लेना, अगर 10 से 20 है तो या 20 से क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, या क्या हो जाएगा 30 से 40, ऐसा नहीं कि 10 से रह के 40 ले लिया 40 से 50 कर दिया, ऐसा नहीं करना, एकदम हर जगह ग्राफ को क्या लेना है इक्वल लेना है, मतलब उसका जो वर्ग अंतराल हो वह क्या हो समान हो बराबर हो, उसका वर्ग अंतराल क्या हो बबुआ बराबर हो। तो क्या लिखा है आपको, ग्राफ बनाते समय अंतराल हमेशा उचित होना चाहिए, ठीक है, ये एस है और ये टाइम, तो एक समान ग्राफ के लिए चाल क्या होगा, यही होगा स्ट्रेट लाइन ऑफ ओरिजिन होगा। अब देखिए हमको तो ये ग्राफ पता है, लेकिन हम इसको एग्जांपल के तौर पे कैसे ले लें, यूनिफॉर्म स्पीड में क्या चीज समान होता है, यूनिफॉर्म स्पीड में क्या जीरो होता है उसमें, उसमें एक्सेलरेशन जीरो होता है, एक समान अगर चाल है तो उसमें क्या होगा एक्सेलरेशन जीरो होगा। सर ऐसे मतलब चाल ठीक है, एक्सप्रेस जा रहा है गाड़ी जा रहा है, तो उसमें कुछ एक्सीडेंट हुआ तब तो जा रहा है, तो एक्सीडेंट तो वो ठीक है, एक्सेलरेशन तब वो एक समान चाल कहां कहलाएगी, कैसे
अभी वो अभी देखिए फर्स्ट एक सेकंड में मान लीजिए वो 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रहा, अगला जो दूसरा सेकंड होगा उसमें वो कितना एक्सलेट कर गया, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एक्सलेट कर गया, उसकी स्पीड वहाँ अलग हो जाएगी, ऐसा नहीं उसका 5 ही रहेगा, नहीं उसकी स्पीड क्या हो जाएगी अलग, तो वहाँ एक समान 40 को पा पाएंगे हम लोग मतलब सेम टाइम इंटरवल में सेम टाइम सेम डिस्टेंस को अगर रिकवर करे तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड में एक्सेलरेशन जीरो क्यों होता है? यूनिफॉर्म देखिए सबसे पहली बात आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म स्पीड को नहीं समझ पाए अच्छे तरीके से। यूनिफॉर्म स्पीड हम लोग किसको बोलते हैं? अगर यदि कोई गाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो उसको उसी स्पीड से चलना पड़ेगा, तो अगर यदि उसी स्पीड से चलेगा तो अंतिम वेग उसका 5 है, प्रारंभिक वेग भी 5, तो उसका एक्सेलरेशन v माइनस u करेंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो होगा, तो जीरो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। एक समान चाल में क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन? जीरो हो जाएगा, उसके लिए ज्यादा नहीं सोचना। चलिए लिखिए जल्दी से, चलिए लिख लीजिए एक समान चाल के लिए, देखिए एक समान चाल के लिए एक समान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होती है, दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होती है, दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होती है, जो समय अक्ष के साथ निश्चित कोण पर झुकी होती है, निश्चित कोण पर झुकी होती है, इस ग्राफ की ढाल एक समान चाल के इस ग्राफ की ढाल एक समान चाल के मान को व्यक्त करती है। अब इस फिगर को बना लीजिए, एग्जांपल लें। देखिए सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं कि हमको क्या बोल दिया कि कोई कार है वो जो है क्या है, कोई कार उसकी जो प्रारंभिक वेग है वह कितनी है? 2 मीटर प्रति सेकंड है। कितना है? 2 मीटर प्रति सेकंड है, और इसका एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। तो इसका बोल रहा है कि इसका दूरी समय ग्राफ कैसा होगा, तो दूरी समय ग्राफ कैसा होगा, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दूरी निकालेंगे, दूरी निकालेंगे, तो दूरी के लिए समय सबसे पहले मान लीजिए कि रेस्ट में होगा, जीरो से समय स्टार्ट करेंगे। यदि T1 बराबर क्या ले लें? जीरो, तो S1 क्या हो जाएगा बताइए, तो क्या होता है S बराबर UT plus half AT square, तो इसमें रखिए U into 0 होगा 2 into 0 plus 1 by 2 into 0, A का वैल्यू क्या होगा? जीरो प्लस ये जीरो का स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा? सब जीरो हो जाएगा, ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा? जीरो। वही अगर यदि हम लोग T2 बराबर 1 ले तो S1 बराबर क्या होगा, S2 बराबर क्या होगा? UT plus 1 ले ले तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 1 कर इधर, तो ये जीरो है, ये टोटल टर्म जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, हो जाएगा। फिर हम लोग अगर यदि T3 बराबर 2 ले लें तो S3 कितना होगा? 4। T4 ले लें तब S4 क्या हो जाएगा? 6। अरे दुतिया 6 कौन खाने आया है, ये S5 क्या हो जाएगा? 8। यही अगर यदि T6 बराबर हम लोग 5 ले लें तो S6 क्या हो जाएगा? 10। इस टाइप से आएगा। अब इसका हम ग्राफ बना लेते हैं, अब इसका ग्राफ बनाएंगे हम लोग, कितना का लेते हैं अंतराल? 2-2 का अंतराल ले लेते हैं, और समय में 1 का अंतराल ले लेते हैं, क्योंकि 1-1 का अंतराल है ना, तो यहाँ तो 0 हो गया, यह क्या हो गया? समय। यह क्या हो गया? समय। और समय को हमेशा दूरी समय ग्राफ में कहाँ लेते हैं? एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस यही है ना, क्योंकि समय कौन सी राशि है? स्वतंत्र राशि है, और डिपेंडेंट राशि कौन है? वायर। वायर पे किसको लेंगे? एस को, दूरी को। तो यहाँ पर देखिए पहला टी जीरो था,
तो एस डी क्या था? जीरो था। तो यहाँ यही होगा ना, टी जीरो और एस बी जीरो, तो इसी ओरिजिन पर हो जाएगा। अब देखिए टी वन लिए, तो सबसे पहले यहाँ वन लीजिए, टू लीजिए, थ्री लीजिए, फोर लीजिए, फाइव लीजिए, सबका अंतराल क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। एक दो के बाद चार छ आठ दस हो गया। अब देखिए जीरो लेंगे तो ये जीरो हो गया, वन लिए टी वन लिए ना, तो एस टू की इसको दो चार छ आठ दस, एक दो तीन चार पाँच हो गया ये। अब देखिए जी समय कितना लिए, एक सेकेंड, तो उस समय उसकी स्पीड कितनी दूरी तय की थी? दो मीटर, ये हो गया। वही अगर यदि समय दो बार दो सेकेंड लिए तो यह कितना था तभी? चार कितना था? चार पे, तीन पे फिर तीन पे था तो कितना था? छह पर था। फिर वही अगर जी देखे चार पर था तो फिर वही देखे पांच पे था तो दस। अब इसको ग्राफ के टर्म में खींचिए, है सरल रेखा में ग्राफ है ना। अब इसका स्लोप मान लीजिए यह थीटा है, तो स्लोप हम लोग निकालेंगे। अब ढाल, अब ढाल स्लोप किसको बोलते हैं? ढाल बराबर, ढाल किससे निकालते हैं हमेशा? टेन थीटा से। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा यहाँ पर, ये क्या होगा, ये कितना है टेन थीटा, ये मान लीजिए थीटा है तो ये कितना इकाई है? दो, दो इकाई। और ये कितना इकाई है? एक इकाई। तो क्या हो जाएगा? दो बट्टा बराबर, ये क्या हो जाएगा, ये चार है और ये कितना है? दो, चार बट्टा, फिर ये कितना है? छ बट्टा तीन, ये कितना है? आठ बट्टा चार, फिर क्या है? दस बट्टा पाँच, सबको कटाइए तो क्या आ जाएगा? दो ही आ जाएगा, हर कंडीशन में कितना आ रहा? दो। तो मतलब यह क्या है, एक समान चाल है, क्या है? एक समान चाल है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है। दो डाल लेते हैं।